तो दोस्तों, अगर आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और आपने अभी तक यूआरएल के लिए अप्लाई नहीं किया, तो दोस्तों आप जल्दी से यूआरएल के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपको यूआरएल के लिए अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में हम वीडियो करके बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है रोबिन और आपका हमारे चैनल रोबिन टेक टिप्स में स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको जेन्युइन कंटेंट देखने को मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूआरएल के लिए अप्लाई करने से पहले आपको यूट्यूब की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपका चैनल 1 मंथ पुराना होना चाहिए, आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए और आपके चैनल का लोगो एंड बैनर इमेज लगा होना चाहिए। बैनर इमेज आपको कैसे बनाना है और उसे यूट्यूब पर कैसे लगाना है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को इजीली वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होगा। तो दोस्तों, उसके बाद आपको यूआरएल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यूआरएल के लिए अप्लाई कैसे करना है इसके लिए हम चलते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, अपना यूआरएल सेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर youtube.com सर्च करना है। youtube.com सर्च करने के बाद आपको इसे डेस्कटॉप साइट पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करना है। चैनल के लोगो पर क्लिक करने के बाद आपको यूअर चैनल को सिलेक्ट कर लेना है। यूअर चैनल को सिलेक्ट करने के बाद आपको कस्टमाइज चैनल को सिलेक्ट कर लेना है। आपको सिंपल सा कस्टमाइज चैनल को सिलेक्ट कर लेना है। कस्टमाइज चैनल सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक नया पेज लोड होकर आ जाएगा। तो दोस्तों, सिंपल सा इस पेज पर आपको अपना यूआरएल सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों, आपको सिंपल सा थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर मेरा चैनल यूआरएल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, मेरे चैनल यूआरएल के नीचे एक ब्लू कलर की लाइन लिखी हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आपके सामने ये लाइन लिखी हुई नहीं दिखाई देगी, आपको सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यूट्यूब को एक मैसेज करना है। तो दोस्तों, इस मैसेज में आप YouTube को लिख सकते हैं, हाय YouTube, मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन मेरा URL मुझे नहीं मिला। या फिर आप लिख सकते हैं, डियर YouTube, मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे मेरे चैनल का URL सेट करने का ऑप्शन नहीं मिला। तो दोस्तों, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सिंपल सा यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों, आपको सिंपल सा उस ऑप्शन पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपके उस होम पेज का स्क्रीनशॉट यूट्यूब के पास चला जाएगा। तो दोस्तों, आपको सिंपल सा ऊपर की तरफ एक सेंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको वहाँ से यूट्यूब को ये मैसेज सेंड कर देना है। तो दोस्तों, यूट्यूब को मैसेज सेंड करने के बाद आपको 7-8 दिन के अंदर यूआरएल सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मुझे सिर्फ 1 दिन के अंदर यूआरएल सेट करने का ऑप्शन मिल गया था। तो दोस्तों, कई बार 1-1 मंथ तक का टाइम भी लग जाता है। तो दोस्तों, आप अगर इस मैसेज को सेंड करेंगे तो आपको 7-8 दिन के अंदर यूआरएल सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती हैं। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।